इनके लब रंगी की मिठावर थी जिसने। सैयद मोहसिन हैं कड़कनाथ के खाने के बारे में इन्होंने पूछा है कि जायज है या नाजायज है। काले रंग का मुर्गा होता है, एक नया चला है कड़कनाथ करके, और पर भी काले, आंखें भी उसकी काली और गोश्त भी शायद बता रहे हैं कि काला होता है, तो उसको खा सकते हैं ज़िबा करके या नहीं खा सकते, उसको खाना हलाल है या नहीं। असल में मुर्गा या मुर्गी किसी भी किस्म का हो, वो काला हो या फिर किसी और कलर का हो, तो उसको खाना जो है ना वो जायज़ है। अब ये इसका नाम जो है ना कड़कनाथ है, आँखें पर बाल गोश्त वगैरह सब काला है, तो है तो हलाल और खाना भी जायज़ है अगर शरई तरीके से इसको ज़िबा कर लिया जाए तो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी डिपेंड करता है कि खाने वाले की तबीयत पे, अगर गोश्त का कलर काला है तो ज़ाहिर है कि सालन का कलर पे इसका फ़र्क आएगा। अगर वो इसका दिल गवारा नहीं करता, नहीं खाना चाहता, तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन शरई एतबार से जायज़ है अगर कोई खाना चाहे, लेकिन ये है महंगा। अब इसके फ़ायदे या नुकसान तो नहीं मालूम, अभी सामने भी नहीं है कि इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट या इस गोश्त के अंदर कोई ऐसी ख़राबी पाई जाती है इनकी नस्लों में, या कोई फ़ायदा ऐसा पाया जाता है, तो वो एक आप तहकीक देख लें अगर आपको मिल जाए किसी साइंस लेबॉर्टरी की, तो वो एक अलग चीज़ है कि अगर इससे नुकसान होता हो तो भी खाने से बचना चाहिए ऐसे मामले से। और अगर कुछ ऐसी बात नहीं है, बंदे इसको खाते हैं या खाया जा रहा है जहाँ का भी ये मुर्गा हो, तो वहाँ पर अगर खाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हैं ख़रीद कर। पत्थर